इस दिन अलीबाबा के अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे जैक मा, फिर करेंगे ये काम। ऑनलाइन दुनिया के दिग्गज कारोबारी और चीन के सबसे अमीर शख्स जैक मा ने एक साल पहले ही अध्यक्ष पद से हटने का संकेत दे दिया था। जैक मा ने अपनी करियर की शुरुआत एक अंग्रेजी टीचर के तौर पर की थी। फोर्ब्स 2018 के मुताबिक जैक मा चीन के सबसे धनी शख्स। अपने जन्मदिन के मौके पर जैक मा 10 सितंबर को छोड़ेंगे अध्यक्ष पद। अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा 10 सितंबर को कंपनी बोर्ड के अध्यक्ष पद से हट रहे हैं। 10 सितंबर को ही जैक मा का बर्थडे है और इसी दिन उन्होंने कंपनी से अलग होने का फैसला किया है। दरअसल ऑनलाइन दुनिया के दिग्गज कारोबारी और चीन के सबसे अमीर शख्स जैक मा ने एक साल पहले ही अध्यक्ष पद से हटने का संकेत दे दिया था। उन्होंने कहा था कि वो अपने 55वें जन्मदिन के मौके पर 10 सितंबर 2019 को कंपनी के अध्यक्ष पद से छोड़ देंगे। उनकी जगह अलीबाबा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO डेनियल झेंग लेंगे। जैक मा चीन के सबसे धनी कारोबारी। फोर्ब्स की 2018 की सूची के मुताबिक जैक मा चीन के सबसे धनी व्यक्ति हैं। फोर्ब्स ने उनकी दौलत $34.6 बिलियन बताई थी। इससे पहले 2014 में भी जैक मा के नाम चीन के सबसे अमीर लोगों में शुमार था। हालांकि 2017 में जैक मा के सककर तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे, लेकिन 2018 में उन्होंने फिर नंबर एक पर कब्जा कर लिया। अलीबाबा में जैक मा की लगभग 9% हिस्सेदारी है। इच्छा शक्ति ने दिलाई कामयाबी। चीन में एक गरीब परिवार में जन्मे जैक मा ने अपनी करियर की शुरुआत एक अंग्रेजी टीचर के तौर पर की थी। उनका शुरुआती करियर बेहद संघर्षपूर्ण रहा था। उन्हें करीब 30 नौकरियों के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। आज से 2 दशक पहले जैक मा ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अलीबाबा कंपनी की नींव रखी थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जैक मा को उस समय कंप्यूटिंग की कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से वो कदम बढ़ाते गए और कामयाबी मिलती गई। साल 2014 में अलीबाबा ने दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक हिस्सेदारी के जरिए $25 अरब जुटाए थे। शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे वापसी। जैक मा ने आज से 10 साल पहले अपने उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी थी। साल 2013 में उन्होंने बोर्ड अध्यक्ष बनने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कुर्सी छोड़ दी थी। अलीबाबा के चेयरमैन पद से हटने के बाद जैक मा शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। इसके लिए जैक मा फाउंडेशन के जरिए चीन के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के प्रचार प्रसार को और बढ़ाने का फैसला किया है। ट्रंप भी जैक मा के कायल। ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे जैसे शॉपिंग इवेंट के जरिए जैक मा ने अमेरिका में भी अपनी धाक जमाई। पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जैक मा की तारीफ करते दिखे थे। लेकिन जैक मा ऐसे समय कुर्सी छोड़ रहे हैं जब चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर चरम पर है।